कल की प्रैक्टिस करके तो मजा ही आ गया होगा, है ना? आपने जब अपने लिए खुद का टाइम निकाल कर आपने अपने फुट मसाज किए हैं तो आपको मजा ही आ गया होगा। एंड आज की भी कुछ ऐसी ही प्रैक्टिस है जो आज मैं बताने वाली हूँ। अब करना क्या है, चलो मैं बताती हूँ। बहुत जन बोलते हैं ना, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे बाल वैसे हैं, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मुझे लॉन्ग हेयर चाहिए, मुझे शॉर्ट हेयर चाहिए, मुझे कर्ली हेयर चाहिए, मुझे पतले हेयर चाहिए, मुझे स्ट्रेट हेयर चाहिए। कभी भी हमारे पास जो है हम उससे खुश नहीं होते हैं। जो दूसरों के पास होती है वही चीज़ हमें खुशी मिलती है कि, और हम उसके पीछे भागते रहते हैं कि मुझे वो चीज़ चाहिए। सो आज की प्रैक्टिस में हम हमारे बालों का ध्यान रखेंगे। बोलते हो ना, बहुत बाल झड़ रहे हैं, बाल बहुत टूट रहे हैं, बहुत ड्राई हो चुके हैं, बहुत XYZ बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी है, राइट? तो आज की प्रैक्टिस में आप सेल्फ लव करेंगे अपने बालों के लिए। बालों को और भी ज़्यादा आज ध्यान रखेंगे, और मैं एकदम सिंपल चीज़ बताने वाली हूँ जो आप करते हैं, लेकिन आज आप इंटेंशन के साथ करेंगे कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपने बालों का ध्यान रखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? अब करना क्या है, चलो बात करते हैं। बहुत ही जल्दी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हूँ सुरभि। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट एंड उसी रेकी हीलिंग ग्रैंड मास्टर हूँ। आज हम हमारे सेल्फ लव चैलेंज पर Day 3 पर आ चुके हैं, और आज हम करेंगे एक नई प्रैक्टिस जिससे हम हमारे सेल्फ लव को और भी ज़्यादा बढ़ा सके। आज का हमारा टॉपिक है हमारे बाल, जो हम हमारे बालों के साथ करने वाले हैं। सबसे पहला आपको क्या करना है, अपने बालों को या हेड मसाज कीजिएगा। थोड़ा सा ऑयल लीजिएगा, कोकोनट ऑयल आप ले सकते हैं, अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल लीजिएगा। हल्की सी एकदम लूक वॉर्म उसे गर्म करना है, हल्का सा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं उसे गर्म करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आपको गर्म नहीं करना है मत कीजिए। लेकिन आप करना चाहते हैं तो एकदम हल्का सा एक बाउल लीजिएगा, स्टील का चलेगा, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिएगा जितना आप कंज्यूम करने वाले हैं अपने बालों के लिए, आप यूज़ करने वाले हैं, और उसे हल्का गर्म करना है, ठीक है? हल्का गर्म किया आपने, और ऑयल को लेना है और अपने स्कैल्प पर लगानी है। ये चीज़ आपको करनी है, अपने स्कैल्प पर आप लगाएंगे और पूरे बालों पर लगाएंगे, ठीक है? और उसके बाद उसे मसाज करेंगे अपने फिंगर टिप से आपको इसे मसाज करनी है। जस्ट इसे 2 घंटा आपको रख देना है। सपोज करें कि आपको आज हेयर वॉश करनी है, राइट? तो आप क्या करेंगे, 2 घंटे पहले आप ऑयलिंग करेंगे अपने स्कैल्प की और अच्छे से मसाज करेंगे, ताकि आपके स्कैल्प के सारे ब्लड सर्कुलेशन होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? आप चाहें तो ऐसे बालों को उल्टा करके भी, उल्टे साइड से आप फिंगर टिप से मसाज कर सकते हैं, एंड रियली बहुत मज़ा आता है इसमें, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपको रिलैक्स फील होता है, आपको नींद आएगी। नेक्स्ट वो एक वो भी आती है जिससे मतलब हेड पे हम मसाज कर सकते हैं, एक पता नहीं अभी तो मेरे पास नहीं है आपको दिखाने के लिए, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली अपने फिंगर टिप से करती हूँ, तो आप अपने फिंगर टिप से भी कर सकते हैं अगर आपके पास वो नहीं है तो। ओके, सो फिंगर टिप्स आपने मसाज कर लिया है, फिर मस्त आपने बाल को बांधा है। अब क्या करेंगे, 2 घंटे बाद आप अपने फेवरेट शैम्पू एंड कंडीशनर आप अपने बालों पर लगा सकते हैं। अच्छे से बालों को वॉश करना है, उसके बाद कंडीशनर लगानी है। कंडीशनर आपके बालों में लगेगा, आपके स्कैल्प पर नहीं लगेगा, ठीक है? आपने ये कर लिया है और एकदम मस्त हो के आप चाहे तो उस दिन, या आज के दिन आप एक बाल आप अपने हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं। आपने कुछ यूट्यूब से देखा, आपके पास टाइम हो और आपको कोई हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो, कोई अच्छी सी डिसेंट सी, आप अपने लिए एक हेयर स्टाइल भी बना सकते हैं। वरना रेगुलरली हम क्या करते हैं, हम हमारे बालों को बस ऐसे ऐसे करके बांध लेते हैं, राइट? हम इतना ध्यान भी नहीं देते अपने बालों को, और ना ही हम कोई हेयर स्टाइल करते हैं। तो हम क्या आज के टास्क में करेंगे, एक मस्त यूट्यूब से ओपन करेंगे। यूट्यूब ओपन करके बहुत सारे आपको हेयर स्टाइल करने वाला मिल जाएगा, जो आपको सिंपल लगे, जो आपको अच्छा लगे, आधा घंटे समय लेकर आपको उसे करना है। ये आज की प्रैक्टिस है,
ये बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस है। लेकिन यस, अगर आप चाहें तो अगर आपने ये चीज़ किया है, आप अपने हेयर स्टाइल का फोटो लेके आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर दी गई है, आप मुझे अपनी स्टोरी पर रख के मुझे टैग कर सकते हैं और वो उसे मैं अपने स्टोरी पर लगाऊंगी। ये चीज़ हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के नीचे कॉमेंट भी लिखना है कि आपने इसे प्रैक्टिस किया है या आपने ये सेल्फ लव प्रैक्टिस करके आपको कैसा फील हुआ है, ये भी आप अपने हिसाब से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसे करना ज़रूर, मुझे तो बोलते हुए इतनी मज़ा आ रही है, पता नहीं करते हुए कितना मज़ा आएगा आपको। तो इसे ज़रूर आपको करनी है, आज की प्रैक्टिस आपको सेल्फ लव की कंप्लीट करनी है। या आप हैशटैग से भर सकते हैं कि सेल्फ लव चैलेंज कंप्लीटेड या सेल्फ लव चैलेंज 3 कंप्लीटेड डन, कुछ भी एक जैसा आपको अच्छा लगे आप कमेंट में कर सकते हैं। एंड यस, ये वाला आइडिया तो बहुत अच्छा है कि आपने अपने हेयर स्टाइल का फोटो लिया और अपने इंस्टाग्राम पर आपने मुझे टैग करके आपने उसे अपलोड किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा अपने टास्क को कंप्लीट करने का। सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। कल के प्रैक्टिस के लिए भी रेडी रहिएगा, कल का प्रैक्टिस भी अमेजिंग है। और अगर आपको मेरे पास से चार्ज और एनर्जाइज्ड किया हुआ क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहिए, रोज क्वार्ट्स, एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्स, टाइगर आई, सिट्रीन एंड पाइराइट, ऐसे 7 चक्रास की बैलेंसिंग, इतने सारे ब्रेसलेट्स अवेलेबल है अभी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं यानी कि ऑर्डर दे सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9167917644 पर। एंड अगर आपको एक हीलर बनना है, आपको अपने पूरे घर का प्रोटेक्शन चाहिए, अगर आपको अपने फाइनेंशियल अबेंडेंस आप चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप और लोगों को हेल्प करें, दूसरों को हेल्प करने में अगर आपका यही पैशन है, आपको एक हीलर बनना है, तो मेरे 1 ईयर प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर बिल्कुल इसमें आइडिया नहीं है आपको कि ये चीज़ क्या है, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे ताकि आपको मैं फ्री एंजल मास्टर क्लास की लिंक शेयर कर सकूं। आप उसे देखिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि क्या आपको एक हीलर बनना है या नहीं, कि आप हीलर बनने के लिए आपको यूनिवर्स कह रही है या नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। बाय बाय।